हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आपने हमारे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग राउरकेला से एकदम मस्त पहाड़ों के बीच होते हुए, वो कैमरा में थोड़ा अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाया, बट देखते हैं अगली बार जब आएंगे तो विल ट्राई टू कैप्चर इट मोर प्रिसाइसली। तो एनीवे, अभी हम अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम केंद्र टू कोलकाता। तो चले चलते हैं, ये वाला जर्नी में भी बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, आफ्टर लंच हमारा जर्नी टू आवर होम स्वीट होम कोलकाता स्टार्ट हो गया है। और ये केंद्र सिटी के अंदर ही, कितने देखिए मस्त, दोनों तरफ यूकेलिप्टस जो होता है ना उसका पेड़ लगाया गया है, एकदम बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और जो वाइट वाइट है उसका ट्रंक और यूकेलिप्टस पेड़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब गूगल हमको किस गली में घुसा है। हम लोग केंद्र सिटी से हाईवे पकड़ने के लिए जा रहे हैं। केंद्र में मैं ज़िंदगी में कभी नहीं आया, पहली बार आया हूँ। तो जो गूगल माता बोलेंगे वहीं पर वही कर रहा है, तो उसने घुसा है एक गली में। इसमें रोड भी वो टाइल का है, टाइल तो नहीं, मतलब वो जो छोटे छोटे ईट टाइप्स, क्या टाइल ही है, तो जो पंचायत एरिया में रोड बनता है ना वैसा है उसका। ठीक है, नहीं ज़्यादा दूर है नहीं, और थोड़ी आगे वो लेफ्ट टर्न करने के लिए बोलेगा, आई थिंक उसी से हमारा हो जाएगा हाईवे। सामने हाईवे दिखाई दे रहा है, वहीं से हमें राइट जाना है। राइट जाना है? अरे ये वाला रोड तो लास्ट टाइम गए थे जब कोलकाता जा रहे थे, राउरकेला जा रहे थे, यहीं से तो लेफ्ट लिए थे। यहाँ पे इस साइड से रास्ता बंद था, अभी हम यहाँ से राइट जाएंगे तो हाईवे पहुँच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है केंद्र का मेडिकल कॉलेज। नाम क्या है इसका? धरणीधर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल केंद्र। बहुत बड़ा है। चालू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, चालू हुआ है। वहाँ पे तो ओपीडी लिखा है, वहाँ पे ओपीडी कॉम्प्लेक्स ही और गाड़ी इस वजह है चालू है, लेकिन शायद उसका ये और वहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा है, इसीलिए खाली। बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा है। ये सब खेत है, लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, छाता लेके बैठे हैं वहाँ खेत खलियान। और नया टोल रोड स्टार्ट हो गया, सामने एक टोल आएगा, रास्ते
तो सीधे से मक्खन जैसे चकाचक। तो आप गाड़ी में जा रहे हो फ्लाइट में जा रहे हो आपको पता नहीं चल रहा है। फ्रेंड्स अभी हम मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं। केंद्रझर खत्म, मयूरभंज चालू। ठीक है, सफ़र हमारा जारी है। आई थिंक हमें आज रात पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक तो आज लेट निकले, फिर थोड़ा हिल डुल के बहुत सारा वीडियोस बना के इधर उधर थोड़ा फोटो वोटो खींचा के नीचे उतर के बहुत तामझाम करके आ रहे। ठीक है, इसी के चलते थोड़ा लेट होगा। और लास्ट टाइम हम जब रामपुरा गए थे तब इवनिंग स्नैक्स हमने नहीं लिया था, मतलब 6 बजे पहुँच गए थे 6:30, इसीलिए। और लेकिन आज हम क्योंकि लेट निकले हैं तो एक इवनिंग टी स्नैक्स ब्रेक भी लेना पड़ेगा, तो उसमें आधा घंटा 40 मिनट जाएगा। और तो ये सब चीज़ को मिला जुला के, और गाड़ी आज थोड़ा स्लो भी चल रही है, उसके वजह से हम लोग को आज पहुंचने में तकरीबन 11 बज जाएगा, जो कि है टोटल 15 घंटे। सुबह 8 बजे निकले थे, पहुँचेंगे रात के 11। सो फ्रेंड्स अभी हम फिर से एक जंगल में घुस गए हैं। और जंगल में घुस गए हैं तो बोलना होता है, तो रास्ता हो या जैसे भी हो जंगल में घुस गए हो जंगल में घुस गए। अब यहाँ पे इंटरनेट चला गया है फिर से, ऑफलाइन मैप से हमारा काम चल रहा है और मीटर चला गए
इसीलिए बेटे ने हमें अपना फ़ोन थमा लिया और हमें ब्लॉगिंग करने का चांस मिला जिससे नहीं तो फ़ोन उसके कब्जे में था। वो भी ट्रक ट्रक टर्निंग में ओवरटेक कर रहे हैं। देखो घाट रोड पे क्या बताएं, मतलब कहाँ करेगा कोई ना ये बना हो जी। हाँ ठीक है, मैं ऐसे कॉमेडी के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। एक और तो हम एडिट करके काट देंगे ना। यस, एक फेमस नॉटिया कॉमेडी है, मैं उसका डायलॉग मार रहा था। पीछे पीछे जाओ सब, पीछे पीछे लाइन बनाएंगे। बेटा बोले वीडियो बन रहा है, आप क्या कॉमेडी कर रहे हो? मेरे में जान गैंग जैसे जाओ मिस्टर, अपना वीडियो बन जाएगा तब अपना जगह में जाना। ये वो वाला रास्ता ही है इसके, ये घाट रोड खत्म होने पे द्वार से टेंपल आएगा। ये घाट रोड खत्म होने पे द्वार से टेंपल आएगा दोस्तों। तो पिछली बार हम लोग रुके थे, इस बार रुकेंगे नहीं, क्योंकि इस बार वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। ऐसे ही मतलब रास्ते से ही माता जी को प्रणाम करके निकल जाएंगे। ये बंदर, ये बंदर, बंदर का यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। बाय बाय। हेलो, बाय बाय। हाँ यहाँ के बंदर और भी बहुत शैतान है दोस्तों। मतलब गाड़ी के दरवाजे से कुछ विंडो से कुछ बाहर निकालो मत, वो लोग एकदम लपक के ले जाएंगे, फिर घुस जाएंगे जंगल। फिर हो गया, फिर आपके सामान का आप नाम सर। देखो रास्ते पे बैठे हैं, फिर से आ गया स्टीप, आ गया पहले चढ़ाई। ये कैमरे में आपको पता चल रहा है, कैमरे में चढ़ाई कैप्चर नहीं हो पा रहा है। हाँ। चढ़ रहा है ना उसको आप तुरंत साइड देना है, क्योंकि वो अगर बीच में उसको रुकना पड़े तो उसके लिए बहुत तकलीफदायक हो जाएगा। कि हम लोग फिर भी ब्रेक लगाएंगे तो हम लोग आराम से नीचे जा सकते हैं, बट लेकिन जब वो जो ऊपर चढ़ रहे हैं हमें से प्रायोरिटी उसको देना चाहिए ऊपर, क्योंकि ऊपर आ रहा है और उसका लगातार चलते रहना जरूरी है। ये ट्रैफिक का रूल है बेटा, ठीक है? जब तो तुम बड़े होगे तुम गाड़ी चलाओगे। डब्ल्यू बी है वेस्ट बंगाल से। हाँ ठीक है, हमारा गाड़ी भी डब्ल्यू बी का है। ये माता का मंदिर है दोस्तों, माता का मंदिर। बंदर यहाँ पे बहुत सारे हैं, बैठे रहते हैं इसे, देखिए क्या क्या खाते रहते हैं। तो इधर लोग उनको देते रहते हैं खाने के लिए देते हैं, लेकिन मना यहाँ पे लिखा है, मना किया है कि नया गाड़ी है फॉर्चुनर पूजा के लिए। हाँ पूजा के लिए मंदिर लेके आए। ठीक है, जय माँ द्वार सुनी। जय माँ, रास्ते से ही हम लोग जा रहे हैं। वो फॉर्चुनर नहीं है, लेजेंडर है। अच्छा वो लेजेंडर नहीं, फॉर्चुनर तो लिखा था। नहीं उसका कवर देखो, लिखा है फॉर्चुनर। ठीक है, वीडियो में देखेंगे। मैं तो पढ़ ही ना वहाँ टायर का कवर देखना, समझ जाएगा। चलिए अभी घाट रोड खत्म, और घाट रोड नहीं आएगा, एक आधा बार थोड़ा बहुत जंगल आएगा फिर आगे। लेकिन
फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट टोल गेट, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में देख लेंगे क्या है। पूरा आने जाने का टोल चार्जेस पूरा डिस्क्रिप्शन में देखिए। हाँ, जैसे हमने बरमपुर वाला ट्रिप में लिया था, बरमपुर जाने आने का टोल का खर्चा था 1,000 से 2,000 रुपये का, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया। फर्स्ट टैग काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पे पिछली बार काम नहीं किया था, कहीं कर गया। ग्रीन नहीं दिखता, लेकिन जो ब्रिजा जो हमें पहाड़ पे ओवरटेक कर रहा है किया था, वो सामने जा रहा है। जूम करके दिखा उसको, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का गाड़ी है, WB12 रूल फॉलो नहीं कर रहा है। से हम लोग को लेफ्ट जाएंगे तो आप बहारागोड़ा में पहुँच जाएंगे, जो कि शॉर्टकट रूट है रावलगढ़ जाने का, वो हमारे वहाँ से आते हैं लेफ्ट से, और हम लोग यहाँ से आगे से राइट जाएंगे पर कोलकाता। वो दोनों गाड़ी सामने वाले जा रहे हैं बहारागोड़ा, हम जाएंगे कोलकाता सीधा, उसके बाद राइट। पिछले वाला टर्न जो जहाँ पे हमने राइड किया वो एक्चुअली झारखंड है, ये वाला एरिया झारखंड में जा रहे हैं। अभी हम लोग झारखंड थोड़ा सा टच करके फिर फटाफट वेस्ट बंगाल क्रॉस कर लेंगे, मतलब वेस्ट बंगाल पहुँच जाते हैं रोदासुली जंगल। अभी हमारा एस्टिमेटेड टाइम दिखा रहे 9:37, बहुत मेकअप कर लिया हमने रास्ते में, बट अभी इवनिंग स्नैक्स के लिए रुकेंगे तो फिर से वो टाइम वही 10:15 हो ही जाएगा। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं, आप वीडियो में को देखते रहिए एंड तक। अभी सामने लोधासुली जंगल आएगा, उसको दिखाएंगे, फिर इवनिंग स्नैक्स के लिए रुकेंगे वो भी देखेंगे, फिर डायरेक्ट कोलकाता, और बीच में कुछ नहीं देख सकते क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे में मुझे ये सब रोड वोड दिखाना उतना पसंद नहीं है, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा विजिबिलिटी कम हो जाता है और प्लस थोड़ा मतलब दिखता भी नहीं है अच्छे से, तो क्या फ़ायदा है। आराम से ध्यान से गाड़ी चलाने में ही मैं प्रेफर करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये शुरू हो गया जंगल लोधासुली, देखिए दोनों तरफ जंगल और बीच में सुंदर सा रास्ता। साइड में गाड़ी पार्क करके रुके हैं, थोड़ा सा फोटो खींचेंगे जंगल के पास, और देखिए कहीं आप लोग को हाथी देखने को मिल जाएगा तो जंगल के अंदर, देखिए कितना घना जंगल है। ये रोड के साइड में हम खड़े हैं, और ये बेटा गाड़ी में बैठा, ये रास्ते में थोड़ा खाली खाली है तो हम लोग रुक गए फोटो खींचने के लिए, ज़्यादा भीड़ नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज के जाने का एक्स नंबर टोल गेट, एक्स बाद में फिलअप किया जाएगा। कुछ भी नहीं मिला चाय पीने के लिए, मतलब ढंग का दुकान नहीं मिला उस रोड पे, तो अभी हम फिलहाल कोलाघाट पे ही आके चाय पी रहे हैं। तो
ये हमारा चाय, चाय का टेस्ट अच्छा है, चाय का टेस्ट अच्छा है। और अभी टाइम हो रहा है 7:55, मतलब आठ बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो घर पहुँचते पहुँचते मतलब 10 बज जाएगा चाय पी के जाते जाते। तो फिर हम सोच रहे थे यहीं पे कुछ डिनर कर लेंगे, बट यहाँ पे कुछ डिनर का ऑप्शन मुझे अच्छा नहीं मिला, तो सिर्फ चाय ही पी रहे हैं। तो चाय पी के फिर यहाँ से निकलते हैं। हाँ, बेटे का चिप्स खरीद के जाएंगे, किंडर जॉय भी खरीदेगा बोल रहे हैं। तो वो सब चीज लेके हम लोग घर चले जाएंगे, फिर घर जाके बस हो जाएंगे। और कुछ खाना पीना नहीं है, और कुछ मन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चाय खत्म करते हैं, फिर थोड़ी देर में आप सबसे फिर से मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग का टी ब्रेक हो गया, चाय पी के अभी निकल रहे हैं। सामने दिखाई दे रहा है शेरे पंजाब, और अभी हम घर के और निकल रहे हैं, और थोड़ा सा चाय पी के फ्रेश भी लगा, और बाकी कुछ खाने का मन नहीं क्योंकि हम थोड़ा हेवी लंच कर लिए थे। घर पहुंच के देखेंगे अगर कुछ खा सकते, बट कुछ ढंग का भी नहीं बहुत, और ढंग का तो वहां पे नहीं है, लेकिन मन भी नहीं कर रहा है, देखेंगे फिर। ये है शेरे पंजाब का एंट्रेंस, और यहाँ पे लिखा है आई लव गोलाघाट। फ्रेंड्स, पहुंच गया हम लोग सेकेंड हुगली ब्रिज, नीचे हावड़ा मतलब हुगली नदी, अभी दिखेगा नहीं रात में। वेलकम लिखा है, पता चल रहा नहीं, दिखा ही नहीं टीवी पे। See you in the next vlog.